लंबे समय से देश पर छाए आर्थिक संकट और कोरोना महामारी और उसके चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण भयंकर हो चुकी बेरोजगारी की समस्या को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने आज देशव्यापी रोजगार दो कैंपेन शुरू किया। इस अभियान का मकसद बेरोजगार युवाओं की आवाज़ बुलंद करना है और उनको रोजगार सुनिश्चित करना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस अभियान के जरिए एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी का हवाला देते हुए सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो संदेश शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। आप भी अपनी आवाज़ युवा कांग्रेस के रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए। ये देश के भविष्य का सवाल है। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वायदा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे हर साल। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली, 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया। राहुल गांधी ने जिन गलत नीतियों को इसका जिम्मेदार ठहराया, दरअसल वो नोटबंदी, GST और हाल ही में कोरोना से बचने के लिए किए गए बिना प्लान का लॉकडाउन है। राहुल गांधी का कहना है कि इन तीनों से न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी बल्कि भारत के आर्थिक ढांचे को भी खत्म कर दिया गया। साथ ही कहा कि आज देश की सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान अब देश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। नोटबंदी, गलत GST और फिर लॉकडाउन, इन तीन कदमों ने हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। कांग्रेस नेता ने यूथ कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को उठाने के लिए खुशी जताई, साथ ही यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बधाई भी दी। राहुल गांधी ने लोगों से अपील करते हुए इस अभियान से जुड़ने को कहा। राहुल गांधी ने अंत में लोगों से अपील करते हुए इस अभियान से जुड़ने को कहा। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर गई और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में सड़कों पे उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। रोजगार दो प्रोग्राम से आप सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश की युवाओं को रोजगार दिलवाइए। अंत में मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूँ, आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए हिंदुस्तान के युवाओं के लिए, लड़िए। धन्यवाद, जय हिंद।